विश्व ओलंपिक दिवस पर सांसद नरेश अग्रवाल की ओर से हरदोई को शीश चंद मेमोरियल हॉकी अकादमी के रूप में सौगात मिली है। राजकीय इंटर कॉलेज हरदोई के प्रांगण में शीश चंद मेमोरियल अकादमी व काकोरी शहीद हॉकी क्लब जलालाबाद के बीच हॉकी मैच का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ करते हुए भाजपा नेता व पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच की शुरुआत की। उन्होंने अपने पिता की याद में स्पोर्ट अकेडमी का गठन किया है। इसकी शुरुआत हॉकी मैच से की गई, इसके बाद टूर्नामेंट कराने का निर्णय लिया गया। सदर विधायक नितिन अग्रवाल ने कहा कि हर साल और बड़े स्तर पर आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण शास्त्री, नगर पालिका अध्यक्ष हरदोई सुख सागर मिश्र एवं मधुरपुर नगर पालिका अध्यक्ष उमेश अग्रवाल तथा साथ ही राम प्रकाश शुक्ल, राजीव कुमार सिंह टोनी एवं मनी चतुर्वेदी व अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे। उनको दिया जाना चाहिए जिससे कि स्पोर्ट प्रोफाइल। मैंने अपने पिताजी के नाम अकेडमी खोली, स्पोर्ट अकेडमी क्रिकेट की पीछे बन रही है। क्रिकेट के भी बहुत प्रेमी हैं। ये करीब कितने दिन राके सजेंगे? 15 दिन बाद उसका उद्घाटन होगा, क्योंकि उसकी पिच बनने की नई स्टाइल है। हॉकी के लिए मैं डीएम का भी शुक्रगुजार करूंगा और वाजपेयी जी का, जो उन्होंने इस ग्राउंड को हॉकी खिलाड़ियों के लिए दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी खिलाड़ी हैं इनको खिलवाऊंगा भी, स्पोर्ट की सारी सुविधा उपलब्ध कराऊंगा निःशुल्क। तो मैं चाहता हूं कि हरदोई से भी टीमें बन के निकले, हरदोई के लोग भी करें, और इसके बाद अगर हमको स्टेट लेवल टूर्नामेंट करने पड़े तो मैं उन टूर्नामेंट को जरूर करूंगा। मैं एक चाहता हूं स्पोर्ट जिंदा रहे, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा। राजनीति बहुत कर ली, कम से कम कुछ तो हरदोई का भला करा है। हरदोई के नौजवान मैं देखता हूं खाली घूम रहा है, उसको पता ही नहीं किधर जाना है। आज स्पोर्ट्स की इतनी मांग है, उत्तर प्रदेश तो कुछ शून्य में चला गया स्पोर्ट्स, तो कहीं ना कहीं लोगों को